सर ये वाला वीडियो एक फॉलोअप वीडियो है नीट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए। परसों मैंने एक लाइव सेशन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपना एक स्केड्यूल एक टाइम टेबल बना सकते हैं बचे हुए 6 महीने के लिए। अजम्पशन ये है कि नीट का एग्जाम मई 2023 में एक्सपेक्टेड है, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, हो सकता है ना हो, पर एक अजम्पशन हम रख सकते हैं अभी यदि डिसाइड करना हो कि कब तक हमारा टारगेट होना चाहिए अच्छी तरह रेडी होने का, तो उसको ये मान लेते हैं कि फर्स्ट वीक 2023 तक अच्छी तरह रेडी हो जाना है। अब दो चीजें हैं, आप में से एक चीज लोग सोचेंगे सर 6 महीने का शेड्यूल बनाया, फिर 5 महीने का बना देंगे, 4 महीने का बना देंगे, 2 दिन का बना देंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है फॉलो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपना शेड्यूल कैसे बना सकते हैं, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप इसे फॉलो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो आपके खुद के अंदर कितनी आग है नीट में सिलेक्शन के लिए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। मैं आपको बस एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं, मैं इनफैक्ट आपको स्केड्यूल बना के दे भी नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे बना सकते हैं, उसके बाद आप नहीं बनाते हैं आपकी मर्जी है, आपको वही जिंदगी जीनी है जो आपने अभी तक जी है। यू डोंट वॉन्ट अ बेटर लाइफ फॉर योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स, आपकी मर्जी है। तो मैं आपको बार बार बताता रहूंगा हर महीने कि अब जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप कर पाएंगे। आप यदि कर पाएंगे तो वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हो, मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपके ऊपर फर्क पड़ेगा उस चीज का। दूसरी चीज, आप यदि स्केड्यूल नहीं बनाते उसका मतलब यह नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, स्केड्यूल आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा है इस चीज के लिए कि आपकी एक रफ्तार बनी रहे, ये ना हो कि फरवरी में जाके आपको लगे ओ शिट अभी तो इतने सारे चैप्टर बने हुए। इस समय पे एक टाइम टेबल एक स्केड्यूल होना इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि आप अपने आप को सही रफ्तार पे ले जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्केड्यूल में आपने लिख दिया कि हर रोज आप 2 चैप्टर खत्म करेंगे तो आपके चैप्टर खत्म हो जाएंगे, नहीं, आपको एक काम यह भी करना है कि आप स्केड्यूल को थोड़ा रियलिस्टिक बनाए, ऐसा बनाए जो आप सच में फॉलो कर पाए। यदि आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे, एक हफ्ते बाद आपको पता चल जाएगा कि आप क्या रफ्तार फॉलो कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से चल चलिए। ये वाला वीडियो थोड़ा ड्रॉपर्स के हिसाब से ज्यादा है, मैं एक फॉलो अप वीडियो बना दूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका नीट एग्जाम भी अगले साल और बोर्ड एग्जाम भी देंगे। आप खुद भी बना सकते हैं, बस आपको इतना सा काम करना है कि आप अपना बोर्ड एग्जाम का पढ़ने का टाइम, जो ये टाइम टेबल मैं आपको बना के दे रहा हूं, मैंने एक बना दिया है, एक कस्टमाइजेबल फॉर्मेट भी मैंने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, आप भी बना लीजिए। नहीं बना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल चिंता मत करिए, यदि आप मेहनत नहीं कर रहे आपको जू भी नहीं रैंक रही, सारे बच्चों के लिए वैसे भी गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके चलते हैं। पहली चीज मैं इसको बोल रहा हूं 6+1 मेथड, इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि आप स्केड्यूल कैसे बना सकते हैं। मुझे लगा उस दिन आप लोग के साथ लाइव करके कि एक बार एक शायद एक सेपरेट वीडियो की जरूरत है जिसमें एक बार आपको मैं शांति से बता दूं, क्योंकि जब लाइव होता है तो बहुत सारी नॉन स्टॉप चैट चल रही होती है, ठीक है। तो एक एक करके चलते हैं। आपको बचे हुए टाइम में बैलेंस मेंटेन करना है, आपको बचे हुए टाइम में बैलेंस मेंटेन करना है सिलेबस कंप्लीशन और रिविजन का, ठीक है। ऐसा नहीं होगा आप में से ज्यादातर लोगों के साथ जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, ठीक है। आप यदि खासकर ड्रॉपर है, अभी आपका नीट का एग्जाम हुआ था, अब आपको अगले साल एग्जाम देना है, यदि आपका 2 महीने में सिलेबस खत्म हो गया तो फिर तो आपका सिलेक्शन इसी बार हो गया होता, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से सिलेबस कंप्लीशन कर सकते हैं, पर सिलेबस के साथ आपको यह ध्यान रखना है कि यह ना हो कि आगे बढ़ते गए और पीछे सारे घोड़े गायब होते गए, वो घोड़े गायब नहीं हो, उसका पर्पज यह है जो भी आपने पीछे पढ़ा है भूले ना, रेगुलर रिवीजन करना है। रिवीजन का क्या लॉजिक होगा, कितने घंटे देने हैं, वो सब चीजें मैं आप बता दूंगा, उसी चीज को स्केड्यूल में डाल लेना है। तो पहली बात यह हो गई बैलेंस मेंटेन करना है। दूसरी चीज, हर दूसरे हफ्ते में मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने के 2 पर्पज है, जो आपने पढ़ा आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में। दूसरा पर्पज यह है कि आप जिन चीजों में पानी में है उसी चीज का रिविजन करना है। तो पहली चीज, हर 2 हफ्ते में मॉक टेस्ट देना है, 15 घंटे का रिवीजन चाहिए बिफोर एवरी मॉक टेस्ट। 15 घंटे का रिवीजन चाहिए बिफोर एवरी मॉक टेस्ट। हर 2 हफ्ते में मॉक टेस्ट देना है, हर मॉक टेस्ट से पहले 15 घंटे का रिवीजन। और दूसरी चीज, मॉक टेस्ट के बाद आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे अपने वीक एरियाज, 15 घंटे दीजिए वो जो आइडेंटिफाई हुए उस पर, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है आपने मॉक टेस्ट 1 दिया, मॉक टेस्ट 2 दिया, मॉक टेस्ट 3 दिया, मॉक टेस्ट 4 दिया, यहां पे कुछ वीक एरिया निकल के आए, लेट्स से कुछ 2-3 वीक एरिया निकल के आए, 5-6 वीक एरिया निकल के आए,
एक दो वीक एरिया निकल के आया है, जीरो वीक एरिया निकल के आया, अब आपका मॉक टेस्ट 5 है। तो आपकी कोशिश यही है कि आपका जो रिवीजन चल रहा है ना यहां पे, है ना, वो सब इन्हीं वीक एरियाज को फिक्स करने के लिए चल रहा है। कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, पर आइडिया यह है आप रेगुलरली, आपका सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है, साथ में आप मॉक टेस्ट की। तो देखिए तीन काम हो गए, एक काम हो गया सिलेबस कंप्लीशन, एक काम हो गया ये आपका मॉक टेस्ट आ रहा है इसके लिए रेडी होना है, और एक काम हो गया कि आपने जितने भी मॉक टेस्ट दिए थे और ये वाला दिया M1, M2, M3, M4, M5, इसके बाद आपका जो M6 होगा उससे पहले आप इससे जो वीक एरिया पता चले आप इनके ऊपर काम करें, है ना। तो तीन टाइप के काम हो गए, 1, 2, 3, सिलेबस कंप्लीशन, मॉक टेस्ट के लिए रेडी होना, और अगले मॉक टेस्ट से पहले जो वीक एरियाज आइडेंटिफाई हो उसके ऊपर टाइम देना, ठीक है। यदि आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है एक बार वापस जाके देख लीजिए, रियली कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, असली लाइफ में आप यही कर रहे होते हैं, मैं बस उसको पिक्टोरियली डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी आदत है, सारी चीज़ें भाषण के फॉर्मेट में बोलने में लगता है कि सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा, तो लिख के समझा देता हूँ, ठीक है। अब चौथी चीज़ क्या है, ऐसे सोच लो, तो हमारा काम क्या निकल के आया, एक तो हमारा सिलेबस कंप्लीशन शेड्यूल, आप जो भी कोचिंग जा रहे हैं, आप क्लासरूम कोचिंग जा रहे हैं, एलएन आकाश नारायण चतन्य जो भी आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो वो तो चल रही है 3 दिन 4 दिन 5 दिन, कई जगहों पे 6-6 दिन 6-6 7-7 घंटे क्लासेस होती है, पता नहीं क्यों इतना करते हैं, पर जनरली स्पीकिंग 3 से 4 दिन क्लासेस होती है, दिन की 4 से 5 से 6 घंटे टाइप, है ना, ड्रॉपर की यदि बात करें। आपको बचे हुए दिनों के अंदर मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं एक दिन पूरा रिवीजन के लिए रख लीजिए, करीब 10 से 12 घंटे यहां पे मिल जाएंगे, और बचा हुआ जो 6 दिन है उसमें सिलेबस कंप्लीशन आपको सुबह पढ़ाया जा रहा है, और उसके बाद रात को कोशिश करिए जो आपको दिन में सुबह पढ़ाया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसको रिवाइज करके सोए, पर साथ में 1 घंटा उस रिवीजन के लिए निकाल लीजिए जो आपकी अभी जो पढ़ाई चल रही है उससे रिलेटेड नहीं है। वो रिवीजन कहाँ से आ रहा है, वो या तो ये वाला रिवीजन हो सकता है जो पीछे के आपके वीक एरियाज आइडेंटिफाई हुए, या फिर आप मॉक टेस्ट के लिए रेडी हो रहे हैं उससे रिलेटेड रिवीजन हो सकता है, पर आदत डालनी है, आगे भी बढ़ना है और पीछे वाले अपने घोड़ों को पकड़ना है, पीछे वाले घोड़े पकड़ में आते हैं जब हम रेगुलरली साथ में रिवीजन कर रहे होते हैं। तो 6 दिन हर रोज 1 घंटे जब भी आपको मौका मिले रिवाइज कर लीजिए पीछे वाली चीजों का, और बचे हुए टाइम उन्हीं 6 दिनों में जो सुबह पढ़ाया, क्लासेस हुई लाइव या रिकॉर्डेड, आप जो भी पढ़े क्लासरूम में पढ़े ऑनलाइन पढ़े उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, और 1 दिन पूरा हर हफ्ते सिर्फ रिवीजन के लिए, जिसमें इस हफ्ते जो आपको पढ़ाया गया है उससे मतलब नहीं है, जो पहले जो गड्ढे हैं उनको भरने में लगाया जाए, है ना, पूरा दिन। तो इस तरह से क्या होगा, हमने कहा हर 2 हफ्ते में मॉक टेस्ट, हर 2 हफ्ते में हमको करीब 32 घंटे का रिवीजन टाइम मिल जा रहा है, 32 घंटे का। देखिए मैंने आपको कहा था 15 घंटे आपको चाहिए मॉक टेस्ट के लिए और 15 घंटे आपको चाहिए वीक एरिया फिक्सिंग के लिए, मिल गया टाइम, इस बेसिस पे शेड्यूल बना लेते हैं। तो इसको मैंने 6+1 मेथड कर दिया, 6 दिन आपके होंगे, अब जरूरी नहीं है इस तरह से, हो सकता है आप यहां पे 1 दिन 10 घंटे रख ले और 1 दिन आप पूरे 10 घंटे रिवाइज करेंगे, तो 10+6 16 घंटे का हफ्ते में रिवीजन करने की कोशिश करिए। अब इसमें एक और चीज मैं बता देता हूं, जिसमें आप में से ज्यादातर लोग ये कहेंगे सर रिवीजन तो भाड़ में गए यहां पे, तो है ना बैकलॉग चल रहा है, उसके बारे में बता दीजिए, है ना। तो मैं वहीं चलता हूं, मैं आपको बैकलॉग के बारे में बता देता हूं, क्योंकि वो आपकी सच में कमर तोड़ता है ना। तो बैकलॉग की जरा बात कर लेते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं आपका प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है। यदि आपको टाइम मिल रहा है तो दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए बैकलॉग कंप्लीशन, ठीक है। आप देख लीजिए यदि आपका काफी हैवी ड्यूटी सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है, ज्यादातर ड्रॉपर्स के साथ वही होता है, सुबह से शाम तक, सुबह जो पढ़ाया शाम को उसी को फिनिश करने में स्ट्रगल चल रही होती है, आप लिमिटेड टाइम में पूरे 96 चैप्टर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वाली सिचुएशन ये कि आप 10th से 11th में और 2 साल बाद एग्जाम होगा, है ना, टाइम लिमिटेड है आपके पास, टाइम भी खूब सारा है, सुबह से शाम तक पढ़ने के अलावा कुछ है नहीं, उसके अलावा क्या करेंगे, है ना, खेती वेती आपको जाके करनी नहीं है, है ना। और ये हो गया, फिर साथ में
आप रिविजन के बारे में सोच सकते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी इसी सीक्वेंस में होनी चाहिए, परेशान मत होइए। आपको कोई बोल रहा है बहुत रिवीजन करो, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, उनको छोड़ दो यार। आपकी खुद की अपनी सिचुएशन है, आप जिस भी रीजन से सिचुएशन में अभी है वो है, दूसरों से कंपेयर मत करिए। इस तरह से सोचे कि मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ध्यान दूं, सिलेबस कंट्रोल में आ रहा है, थोड़ा बैकलॉग चल रहा है, बैकलॉग को कंप्लीट करूं। जब ये दोनों कंट्रोल में आ गए तो फिर रिवीजन के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करो, तीनों चीजें साथ में चलेगी। क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन आपकी कोचिंग ऑनलाइन या क्लासरूम वो सिलेबस कंप्लीशन करा रही है, उसको बाकी चीजों से मतलब नहीं है, उनको इन चीजों से मतलब नहीं है, ये आपको खुद को करना है ना। तो साथ में आपका बैकलॉग कंप्लीशन चलेगा, और जब बैकलॉग थोड़ा कंट्रोल में आ जाए तो फिर आप रिवीजन चालू कर सकते हैं। होपफुली मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा। अब इन सब चीजों के मद्देनजर जो मैंने सारी चीजें आपको अभी तक बनाई, अब आप अपना स्केड्यूल बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमारा जो कॉन्कर बैच अभी स्टार्ट हुआ था 20 सितंबर को, उनके हिसाब से बना दिया शेड्यूल, है ना। तो आपको एग्जांपल के लिए मैं इसी को दिखा देता हूं, ये मैंने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, और इसी का एक खाली फॉर्मेट भी डाल दिया, आप खुद बढ़ सकते हैं उसे, खुद बढ़ सकते हैं आराम से, है ना। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने मान लिया ये वाला जो हफ्ता चल रहा है वीक वन है, 24 अक्टूबर को चालू हुआ, 29 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, फिर संडे को छोड़ दिया, 31 अक्टूबर को नेक्स्ट चालू हो जाएगा, सही है। तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे इस वाले हफ्ते में, मॉलिकुलर बेसिस, दो हफ्ते में खत्म करेंगे मॉलिकुलर बेसिस, मॉर्फोलॉजी इवोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, केमिस्ट्री में इस हफ्ते में हाइड्रोकार्बन खत्म करेंगे, फिर हेलो एल्केन। अब ये शेड्यूल तो हमारा है, जो हमारे यहाँ लाइव क्लासेस नीट प्रेप का कॉन्कर बैच चल रहा है उसका है, ठीक है। आपका बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, ये मत सोचिए सर आपका शेड्यूल है ना देखने में अच्छा लगता है, अरे मेरे भाई आपको पढ़ा कोई और रहा है, वापस बोल रहा हूं, आप किसी क्लासरूम कोचिंग में पढ़ रहे हैं, एलएन, आकाश, नारायण, चैतन्य, जो भी है, या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप नीट प्रेप पे पढ़ रहे हैं, आप अनअकैडमी, वेदांतु, फिजिक्स वाला, बायजूस, आकाश, जहां पे भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, आपके पास ये शेड्यूल होगा, ये सिलेबस कंप्लीशन का शेड्यूल है। अब मैंने यहां पे क्या किया, रिवीजन / बैकलॉग रिकवरी के 16 घंटे यहां पे जाके लिख दीजिए। हाँ ये कलर अच्छा नहीं है, रेड से लिखते हैं, है ना, यहां पे आप जाके लिख दीजिए मुझे बैकलॉग रिकवरी 16 घंटे क्या करूंगा क्या करूंगा क्या करूंगा, जरा सोच लेता हूं। तो मुझे जीओसी के ऊपर आइसोमेरिज्म के अंदर 2 घंटा थ्योरी करनी है, यानी नोट्स वगैरह रिवाइज करूंगा, 3 घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है अपने टारगेट बैच से, बहुत अच्छी बात है, या डीपीपी वगैरह जनरेट कर लूंगा। दूसरी चीज, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके अंदर मुझे पेडिग्री एनालिसिस समझ नहीं आया, उसके क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने मॉक टेस्ट दिया था गलत हो गए, तो इसकी थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, 1 घंटा क्विकली देख लूंगा थ्योरी, जो भी ऑटोसोमल और जो क्या भाषा है, और साथ में 1.5 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। देखिए बाय द वे डेली शेड्यूल नहीं बना रहे, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए अपने आप के साथ, है ना, ज्यादती मत करिए। अब आपको जब भी टाइम मिलेगा ना आपको 1 घंटे निकालने, 1 हफ्ते के अंदर 16 घंटे निकालने, है ना, इस तरह से। अच्छा मुझे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पता नहीं, शायद कुछ गैल्वेनोमीटर होता है, ये चीज समझ नहीं आई है, इससे रिलेटेड इतनी देर थ्योरी पढ़ूंगा। इस तरह से एक शेड्यूल बना लीजिए, आपको आगे का बहुत भरने की जरूरत नहीं है, इनको मत भरिए अभी इस शेड्यूल के अंदर। एक तो आपका जो सिलेबस कंप्लीशन होगा हफ्ते के हिसाब से वो भर लीजिए, आपको पता नहीं आपका कोचिंग किस सीक्वेंस में कराएगा उनसे पूछ लीजिए, वो आपको झाड़ के भगाएंगे नहीं, आपने पैसे दिए, आपका हक है जानने का कि किस सीक्वेंस में किस रफ्तार में हर एक हफ्ते में कौन सा चैप्टर खत्म किया जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी में। और 1-2 हफ्ते का अपना रिविजन या बैकलॉग रिकवरी प्लान डाल लीजिए, ठीक है। रिवीजन तो आप आगे का इसलिए नहीं डाल सकते कि आपको कंटिन्यूअसली वीक एरियाज अपने मॉक टेस्ट से पता चलेंगे वो डालेंगे, पर बैकलॉग रिकवरी आपकी चल रही है, आपको ये समझ में आ गया, देखो 16-17 घंटे से ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो आपका यदि बैकलॉग चल रहा है करीब 50-60-70 घंटे का, तो अगले 4 हफ्ते के लिए भर डालिए, ये शेड्यूल बना लीजिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोरा का लिंक है, मैंने वहां पर आपसे कहा कि आपका शेड्यूल जब बन जाए इस तरह से, आप उसकी इमेजेस अपलोड कर दीजिए, आई विल हैव अ लुक,
और मैं आपको बता दूंगा कि क्या थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, पर मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्केड्यूल बना लीजिए, इसका खाली वर्जन मैंने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। स्केड्यूल बनाइए, मेरे से फीडबैक चाहिए कोरा पे डाल दीजिए। कोरा पे उस वाले क्वेश्चन, मेरी प्रोफाइल पे मैंने वो क्वेश्चन पोस्ट किया हुआ है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी भी किसी चीज़ से परेशान है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई विल ट्राई एंड आंसर दैट क्वेश्चन। पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब 2 हफ्ते हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपको 2 हफ्ते के बाद मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। यदि आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें एक स्पेशल फीचर है, खुद के कंप्लीशन के हिसाब से 2 हफ्ते में आपने ये वाले चैप्टर खत्म किए, ठीक है, उसके हिसाब से आप टारगेट सेट करके टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, एक लड़की आदिति वुरुम इस बार हैदराबाद से है, रैंक 50, इस बार एम्स दिल्ली जा रही है। उसे डिटेल में कोरा में एक्सप्लेन किया था और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी मैंने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसका लिंक उसे देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि टारगेट सेट करके टारगेट बैच में टेस्ट कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। ये बड़ा यूजफुल है, आप किसी भी कोचिंग में जा रहे हैं ये वाली फैसिलिटी आपको बड़ा हेल्प करेगी डिसिप्लिन रखने में, क्योंकि ये जो टेस्ट है यही आपको बताएगा मेरे भाई कि आपके कहाँ पे झोल, कहाँ पे होल्स हैं और उनको फिल कहाँ पे करना है। अदरवाइज आपको लगेगा सारी चीज़ रिवाइज करनी है, सारी चीज़ रिवाइज करने का टाइम नहीं होगा, रिवाइज हमें सिर्फ वो करना है जहाँ पे हमें वीकनेस है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया। मैंने ये वाला जो सैंपल शेड्यूल बनाया है ये नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, इसका खाली वर्जन भी डाल दिया है, क्योंकि आपको अपनी स्लेट, अपना ब्लैक बोर्ड खुद भरना है, वो मैं नहीं भर सकता, हर जने का डिफरेंट होगा। कंप्लीशन का शेड्यूल क्या, उसे बैकलॉग रिकवर करना है, क्या रिविजन करना है, बना लीजिए और मेरे साथ शेयर कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए और मुझे प्रॉमिस करिए गाइस, थोड़ी फाइट मारेंगे, रुक जाइए, शेड्यूल बनाइए, आपको बड़ा कंफर्ट आएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ चीजें कंट्रोल में है या नहीं है, ठीक है बच्चों।